अतिक्रमण हटाने में जब नगर पालिका नाकाम साबित हुई, तब जिले के सुहागपुर एसडीएम लोकेश कुमार जांगण ने राजस्व पुलिस और सपा की संयुक्त टीम के साथ मिलकर सड़क पर उतरकर अतिक्रमण को हटाया। एसडीएम ने 2 दिन पहले अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। जिला मुख्यालय में लंबे समय से फुटपाथ पर दुकानदारों ने अवैध कब्जा किया था और नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही थी, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ शहर की नगर पालिका द्वारा शहर का कचरा शहर से 5 किलोमीटर दूर मानपुरा के बडाली पर फेंका जा रहा है। इससे आसपास के लोग काफी परेशान हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कचरे में जो पॉलिथीन आती है उसको खाने के लिए गाय झुंड बनाकर आती है, जिससे खाने से अभी तक 20 से 25 गायों की मौत हो चुकी है। इसकी शिकायत नरसिंहगढ़ नगर पालिका CMO को भी की दी गई, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों की मांग है कि इस समस्या का जल्द निवारण हो। कचरा अपन डाल रहा है, इससे ग्रामीण परेशान हो रहा है कि मवेशी मर रही है। नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि मानपा देव जो है टीचिंग ग्राउंड के लिए भूमि आवंटित हुई, अभी मात्र वो 2-4 महीने आवंटित मिला है। उसके समुचित विकास के लिए फेंसिंग है, चौकीदार कक्ष है, नलकूपकरण है, लाइट कनेक्शन है, सबका अपने प्रस्ताव बना के भेजा है। उसके बहुत जल्दी इसकी सेंसर मिली, ये स्वच्छता का रिजल्ट आने के कारण थोड़ा रुका हुआ है। मामला ज्यादा इस मार्च के बाद काम में गति आएगी। सर वहाँ पे कुछ मवेशियाँ भी मर रही हैं लोगों के। मवेशी मरने का पता नहीं वो कौन कारण हो सकता है, मवेशी कचरे से नहीं नुकसान होने पहुँचा है। सर अपन इसका कचरे सर इसकी इससे